सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन। जींद इस वक्त सियासत का अखाड़ा बना हुआ, जहां पर तमाम सियासी पार्टियां जुटी हुई हैं, लेकिन जींद का ये उपचुनाव अगर हम बात करें, चौटाला वर्सेस चौटाला हो गया है, भाई वर्सेस भाई हो गया है, पोता वर्सेस दादा हो गया है, और इस बीच में पारिवारिक जंग और बयानबाजी लगातार जारी है। बता रहे हैं हम चौटाला परिवार के बारे में, और इसी बीच नैना चौटाला ने एक जनसभा को संबोधित किया और काफी भावुक नजर आई। क्या मैं बोलूं, मैं भी खुश हूं कि जब मेरे नाम आते तो मुझे ये लगता है कि भगवान ने ना सारी मुसीबतें उस पर चुरा दे दी। जिंदाबाद जिंदाबाद, नाना चौटाला तुम आ गए, हम तुम्हारे साथ हैं। मुझे ये लगता है कि जिंदाबाद मतलब इतना भी कोई जिंदगी में किसी की जिंदगी में मतलब इतनी तकलीफें हो सकती है क्या? मैंने अपने आप को इतना मजबूत अपने बच्चों के लिए खड़ा रखा है, पर मैं कई बार ना देखती हूँ तो मुझे लगता है क्या अगर अपने लोगों के लिए काम करना किसी का प्रिय होना कोई गुनाह है? अगर लोग उसको चाहते हैं तो दुष्यंत के लिए कौन सा गुनाह है? मतलब एक बच्चा अगर उसको हरियाणा की जनता चाह रही है तो ये दुष्यंत का कौन सा गुनाह हो गया? जो मतलब घर के इतने कोई दुश्मन होते हैं क्या अपने बच्चों के?